कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स पर। CGPSC पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 का बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। इस बुक में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के कंटेंट के साथ साथ आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह MCQ भी ऐड किया गया है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप हमारे इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2023 छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, ये जो करंट अफेयर की बुक है, इस करंट अफेयर के बुक में पूरा का पूरा दिसंबर महीने के करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री सहित जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनमें जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसे भी इस पुस्तक में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो बाद में आ रहा है और बुक आ गया है, तो ये मत सोचिएगा कि दिसंबर महीने का करंट अफेयर इसमें शामिल नहीं है, पूरा कंप्लीट अप टू डेट बुक है। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, हाल ही में नवंबर के महीने में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, बहुमत प्राप्त दल बनी आपकी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है, जो बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में जो नाम सामने आया वो था श्री विष्णुदेव साय। श्री विष्णुदेव साय हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री है। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री के पद का अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात की करें तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का पद बताया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल दिलवाता है। ठीक, ये जो मुख्यमंत्री का पद है इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो मुख्यमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री के पद का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का कार्यकाल विधायक के तौर पर होता है। ठीक है, इनका जो 5 साल का कार्यकाल है ना, ये विधायक के तौर पर होता है, जबकि मुख्यमंत्री के पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अगर डाउट होगा तो M लक्ष्मीकांत की बुक को उठा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, आर्टिकल 164, 5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री का नहीं होता है। मुख्यमंत्री का जो कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, क्यों? क्योंकि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत के मतलब राज्यपाल जो है इसे उसके पद से हटा सकता है। ऐसे नहीं कि जब मर्जी करा तब हटा दिया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो राज्यपाल उसे उसके पद से हटा भी सकता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यह छत्तीसगढ़ शासन का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है मुख्यमंत्री। वेतन 2.30 लाख, जो पिछली सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी पिछली, उसमें विधानसभा द्वारा मुख्यमंत्री का वेतन निर्धारित किया गया था 2.30 लाख। ठीक है, ये जो मुख्यमंत्री का वेतन, विधायकों का वेतन, पूर्व विधायकों का वेतन, मंत्रियों का वेतन, ये निर्धारित किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। तो पिछली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री का वेतन निर्धारित किया गया था 2.30 लाख। सिफारिश, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। देखिए, चुनाव हुए, चुनाव परिणाम आया, किस पार्टी ने कितना सीट जीता, ये हो गया, ये पिछला करंट अफेयर था। मुख्यमंत्री कौन बने, श्री विष्णुदेव साय, ये बेसिक फैक्ट था। अब थोड़ा इसको डीप में जाकर के पढ़िएगा, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करना है। केवल करंट अफेयर के भरोसे मत बैठे रहिए, थोड़ा सा आपको बेस भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सामान्य अध्ययन की भी तैयारी करनी है। ठीक,
तो ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री के पद एक संवैधानिक पद है, संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के पद और उनकी नियुक्ति का उल्लेख है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। इस मुख्यमंत्री का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यह राज्य शासन का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का वेतन है 2.30 लाख, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक नॉलेज के लिए ध्यान में रखिएगा। और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अब जो हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय, इनका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राजनैतिक परिचय, अगर इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात किया जाए तो ये कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के विधानसभा में पहुंचे हैं, जो कि एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले से बताते आ रहा हूं कि केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी है, यह एक आदिवासी मुख्यमंत्री है या जनजाति प्रमुख मुख्यमंत्री है, ये बेसिक फैक्ट हो गया पुराना, ये सबको पता है। याद क्या रखना है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं वे किस विधानसभा क्षेत्र से या किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके पूछना हुआ तो उनके विधानसभा क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा। तो श्री विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र जशपुर, ठीक है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र जो कि अनुसूचित जनजाति आरक्षित ST आरक्षित सीट है, वहां से निर्वाचित होकर के विधानसभा में पहुंचे हैं। अगर इनका स्थाई पता, वैसे तो स्थाई पता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता जानकर के क्या ही कर लोगे, ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ग्राम बगिया पोस्ट बंदर चुआ तहसील कांसा बेल जिला जशपुर, ये इनका स्थाई पता है। केंद्रीय मंत्री के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात खनन श्रम एवं रोजगार मंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल रहा 2014 से लेकर के 19 तक, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात खनन श्रम एवं रोजगार के मंत्री रह चुके हैं श्री विष्णुदेव साय जी। इसके साथ साथ अगर हम विधानसभा सदस्य के तौर पर ये कितने बार चुने गए पूछा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य तपकरा से, ठीक है, तपकरा भी आपका जशपुर है, सबसे पहले जो है आपके वर्ष 1990 से 98 दो कार्यकाल के लिए विधायक बने थे, जब मध्य प्रदेश विधानसभा में यानी कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा था। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य के तौर पर कुनकुरी से अभी 2023 में विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। अगर लोकसभा सदस्य की बात की जाए, इन्होंने जो है लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, जीते भी, 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे रायगढ़ सीट से 1999 में, 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे रायगढ़ सीट से 2004 में, 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे 2009 में रायगढ़ सीट से, और आपका 16वीं विधानसभा के सदस्य रहे रायगढ़ सीट से 2014 में, यानी कि लाइन से 13, 14, 15, 16 लाइन से इन लोकसभा के सदस्य रहे रायगढ़ सीट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, दूसरे है आपके रमन सिंह, का जो कार्यकाल है लगातार 3 साल का रहा, ठीक, उसके बाद फिर आए भूपेश बघेल जी, के बाद चौथे मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय जी। देखिए, कार्यकाल के आधार पर छठवे, कार्यकाल के आधार पर मतलब सबसे पहला कार्यकाल अजीत जोगी जी का, फिर उसके बाद लगातार 3 कार्यकाल रमन सिंह जी का, फिर अगला कार्यकाल भूपेश बघेल जी का, अब छठवां कार्यकाल है किनका, आपके श्री विष्णुदेव साय जी का। ये छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री है, यानी कि ST, ठीक है, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे श्री अजीत जोगी जी, ठीक है, वो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ये दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। देखिए, अभी जो चुनाव हुआ ना, ये चुनाव के परिणाम जो रिजल्ट आया ये काफी शॉकिंग था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, एग्जिट पोल को भी फेल कर दिया गया, तो ये इतना हाईलाइटेड इशू है कि इससे हर एंगल से जाकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची, हमारे जो छत्तीसगढ़ के अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, किस किस कार्यकाल के लिए रहे। देखिए,
सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 2000 से लेकर के 5 दिसंबर 2003 तक। उसके बाद अगले तीन कार्यकाल के लिए डॉक्टर रमन सिंह रहे, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह अगले तीन कार्यकाल के लिए, यानी कि 2003 से 2008, 2008 से 2013, 2013 से 2018, लगातार तीन कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह। उसके बाद श्री भूपेश बघेल, जो कि 2018 से लेकर के 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। फिर श्री विष्णुदेव साय, जो कि 2023 से निरंतर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। तो ये सभी को याद रखिएगा। देखिए पूरा डेट याद नहीं होता ना, तो कम से कम मंथ के साथ नवंबर 2000 से लेकर के दिसंबर 2008, कम से कम इतना याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ साथ दो उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है श्री विजय शर्मा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है कवर्धा। देखिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किस निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके निर्वाचन क्षेत्र यानी कि विधानसभा सीट का नाम भी याद रखिएगा। श्री विजय शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है कवर्धा। और दूसरे है श्री अरुण साव, ये भी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लोरमी। विजय शर्मा कवर्धा, श्री अरुण साव लोरमी, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो उप मुख्यमंत्री का पद है ना, ये असंवैधानिक पद है। क्या है? असंवैधानिक पद है, यानी कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे किसी भी पद का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके, इस कारण से उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। ये क्या है? ये असंवैधानिक पद है। प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 171, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राज्य सरकार का यह दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग सदस्य होता है, जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसमें सर्वोच्च रैंकिंग होती है मुख्यमंत्री की, उसके बाद दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग सदस्य होते हैं उप मुख्यमंत्री। इन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, आगे हम कैबिनेट मंत्रियों की सूची भी देखेंगे। इन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि जो जो सुख सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होती है, वो सारी चीजें जो है आपके उप मुख्यमंत्रियों को भी दी जाती है। जरूरी नहीं कि कैबिनेट में विभागों के बंटवारा में उप मुख्यमंत्री को शामिल किया जाए, ठीक है, इसलिए इसमें लिखा गया है कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का उन्हें दर्जा प्राप्त होता है, और कैबिनेट मंत्री के समान ही इन्हें वेतन भी दिया जाता है। इनकी नियुक्ति और निष्कासन पूरी तरह से मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। वैसे ही जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है ना, इससे इसका राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं है, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी को आपका उप मुख्यमंत्री बना सकता है, किसी भी विधानसभा सदस्य को, और किसी भी को चाहे तो वो उसे उप मुख्यमंत्री के पद से हटा भी सकता है, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में टीएस सिंहदेव जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ही आपके उप मुख्यमंत्री है, और कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं ऐसा भी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में दो उप मुख्यमंत्री है, आपके उत्तर प्रदेश में हमारी सीमा से लगा हुआ दो उप मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे ही छत्तीसगढ़ से की सीमा से लगा हुआ आंध्र प्रदेश, जहां पर 5 उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो कितने भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा इससे रिलेटेड कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है। इन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, और जैसे कि अभी चुनाव हुए हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, तो उन राज्यों में भी आपके उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है ये काफी हाइलाइटेड है, तो किस राज्य में किस किस डेट में चुनाव हुए,
कौन कौन उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, इस लिस्ट को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये तो वैसे नेशनल करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिजोरम, देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं श्री लालदू होमा, ये मिजोरम के आपके मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाए गए हैं श्री मोहन यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं श्री भजनलाल शर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं श्री रेवंत रेड्डी। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्रियों की सूची याद रखिएगा। मिजोरम लालदू होमा, छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव, राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा और तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो मिजोरम में कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, यानी कि जो हाल ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उन राज्यों की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा। मध्य प्रदेश में भी दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, श्री राजेंद्र शुक्ल और श्री जगदीश देवड़ा। राजस्थान में दो उप मुख्यमंत्री, राजकुमारी दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद्र बैरवा। और तेलंगाना में एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डिप्टी सीएम श्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्रियों के नाम को भी याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, वर्तमान छत्तीसगढ़ में वर्तमान में छठवीं विधानसभा है। छठवीं विधानसभा के अध्यक्ष, देखिए कौन सी विधानसभा है पूछा जाए तो छठवीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, छठवीं विधानसभा है वर्तमान में। तो इस छठवीं विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव, श्री विष्णुदेव साय का निर्वाचन क्षेत्र कुनकुरी, याद रखिएगा। ठीक है, विजय शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा, अरुण साव का निर्वाचन क्षेत्र लोरमी। मैं सभी के सभी राजनेताओं के निर्वाचन क्षेत्र को याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो हाईलाइटेड है वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कम से कम इनके विधानसभा सीटों को याद रखिएगा। ठीक है, तो डॉक्टर रमन सिंह जिनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, राजनांदगांव। अगर हम बात करें अब तक छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष किस किस कार्यकाल में कौन कौन रहे, प्रथम जो विधानसभा थी छत्तीसगढ़ की उसमें अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला 2000 से 2003 तक, अजीत जोगी जी की सरकार की बात की जा रही है। द्वितीय विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रेम प्रकाश पांडे 2003 से 2009। तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष थे धर्मलाल कौशिक 2009 से 2014। चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष थे गौरी शंकर अग्रवाल 2014 से 2019। पांचवी विधानसभा के अध्यक्ष थे चरणदास महन 19 से 23। और छठी विधानसभा के अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह 23 से निरंतर। तो छठी विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है आपके चरणदास महंत जी, जो कि पिछली विधानसभा पांचवी विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो छठवीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, यानी कि ओपोजिशन के लीडर, ओपोजिशन के तरफ से, यानी कि उनका चेहरा। ठीक है, विपक्ष का नेता, इन्हें क्या कहा जाता है, विपक्ष का नेता। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, डॉक्टर चरणदास महंत। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, शक्ति विधानसभा से निर्वाचित होकर के विधानसभा में पहुंचे हैं। ठीक है, प्रथम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय 2000 से 2003। द्वितीय विधानसभा के महेंद्र कर्मा 3 से 8। तृतीय विधानसभा के रविंद्र चौबे 9 से 13। चतुर्थ विधानसभा के टीएस सिंहदेव 14 से 18। पांचवी विधानसभा में दो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, धर्मलाल कौशिक 2019 से 2022 और नारायण चंदेल 22 से 23। छठवीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर चरणदास महंत 23 से लेकर के निरंतर। ये सारा चीज आपके करंट अफेयर 2024 के बुक में शामिल है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष देख लिया, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष भी देख लिया, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष अभी तक नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे ही वो भी नाम अपडेट होगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा।
छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री राम विचार नेतान। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, यहां पे जो डेफिनेशन दिया गया है उस डेफिनेशन को समझिएगा। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के स्पीकर के पद पर कुछ समय के लिए कार्य करता है, ठीक है। एक अस्थायी पद होता है जो कि कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यह एक अस्थायी पद होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है, यह एक अस्थायी पद होता है, ठीक है, अस्थायी पद होता है। आमतौर पर यह नियुक्ति तब तक के लिए की जाती है जब तक स्थायी विधानसभा का अध्यक्ष न चुन लिया जाए, यानी कि डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन तक के लिए इन्हें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर बनाया गया, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर ही निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित विधायकों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल नहीं, ठीक। तो देखिए, रामविचार नेताम जो कि छठवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है रामानुजगंज। रामानुजगंज सीट से चुनाव जीत करके ये विधानसभा में पहुंचे हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के कार्यों की बात किया जाए तो नए सदस्यों को शपथ दिलाना, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना, फ्लोर टेस्ट करने का काम करना, स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को चलाना, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा, ये रहता है प्रोटेम स्पीकर का कार्य। अगर हम बात करें पिछले जो विधानसभा, जो आपके पिछले विधानसभा में कौन कौन प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, पहली विधानसभा के थे महेंद्र बहादुर सिंह जो कि 76 साल के थे, दूसरी विधानसभा के थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल 73 साल के, तीसरी विधानसभा के थे बोधराम कंवर 71 साल के, चौथी विधानसभा के थे सत्यनारायण शर्मा 71 साल के, पांचवी विधानसभा के थे राम पुकार सिंह 82 साल के। देखिए, कई लोग को यह कंफ्यूजन रहता है कि वरिष्ठ नेता को, ठीक है, जिसका उम्र दराज जो काफी ज्यादा है, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन केवल यही एक कंडीशन नहीं है, इसमें वयोवृद्ध विधायक के साथ साथ ऐसे विधायक को भी देखा जाता है जिसने सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो है विधानसभा का सदस्य रहा हो, यानी कि कोई 3 बार चुनाव जीत करके, 4 बार चुनाव जीत करके, 7 बार चुनाव जीत करके, 8 बार चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है कार्यकाल के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। केवल एक वृद्ध जो है इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो राम विचार नेताम जो कि रामानुजगंज सीट से है, इन्हें छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। कार्य क्या होता है, नियुक्ति कौन करता है, कैसा पद है, एक अस्थायी पद है, नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है, इसका कार्यकाल विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने तक के लिए रहता है, ठीक है। और इस प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है ये भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल, जो छत्तीसगढ़ में टोटल 12 यानी कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित टोटल 12 मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं तथा इनके मध्य विभागों का बंटवारा भी किया गया। श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, जिनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज संसाधन, ऊर्जा विभाग, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर आबकारी, परिवहन तथा अन्य विभाग जो किसी मंत्री के पास नहीं है, ठीक है, ऐसे विभाग जो अन्य किसी मंत्री के पास नहीं है, वो सारे विभाग श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, ठीक है, यानी कि इनके पास ये विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, खनिज विभाग मिनरल्स, ऊर्जा एनर्जी, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर आबकारी, यहां पे ध्यान दीजिएगा वाणिज्यिक कर है लेकिन कैसा, आबकारी, परिवहन तथा अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री के पास ना हो। कैबिनेट मंत्री और इनके मध्य विभागों का बंटवारा भी काफी इंपॉर्टेंट है। विभागों के बंटवारों को लेकर के काफी समय तक सस्पेंस बना हुआ था। यहां तो एक तरफ जो है लिस्ट जारी भी हो गया कि किस मंत्री को कौन कौन से विभाग मिले हैं, और मंत्रियों को पता ही नहीं था कि हमें ये विभाग अलॉट हुआ है। 4 दिन पहले ही जो है राज्यपाल, आपके राज्यपाल के भवन से, राजभवन से जो है लिस्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन मंत्रियों को पता ही नहीं, ठीक है। तो ये इसको लेकर के भी काफी हो हल्ला हुआ, मंत्रियों के पास बधाई के लिए फोन आया लेकिन मंत्रियों को ही पता ही नहीं कि हमें यह विभाग मिल चुका है। तो ये काफी हाईलाइट में था, इसको याद रखिएगा, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा। श्री अरुण साव जो कि उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के, इन्हें लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग श्री अरुण साव उप मुख्यमंत्री जी के पास है। श्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह विभाग, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
ये विभाग है श्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जी के पास, ठीक है। श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जिनके पास स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग जो है ये श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास है। उसके बाद नेक्स्ट है श्री रामविचार नेताम, अभी प्रोटेम स्पीकर वाले टॉपिक में हमने इनका नाम पढ़ा था। इनके पास आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास यानी कि एसटी विकास, एससी विकास, पिछड़ा वर्ग माइनर और अल्प, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अल्पसंख्यक माइनर, ठीक है, पिछड़ा वर्ग और आपके अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास और किसान कल्याण, ठीक है, ये आपके विभाग जो है श्री रामविचार नेताम जी के पास है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट है श्री दयाल दास बघेल जी। श्री दयाल दास बघेल जी के पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, ठीक है। नेक्स्ट है श्री केदार कश्यप। श्री केदार कश्यप के पास वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग है। श्री लखनलाल देवांगन जी के पास वाणिज्य एवं उद्योग एवं श्रम, वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग है। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा विभाग, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, ये विभाग इनके पास है। ओपी चौधरी जी के पास वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है। अब देखिए यहां पे ध्यान देना, ये जो वित्त विभाग है ना, अब तक पिछले जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग होता था। वित्त विभाग यानी कि वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री है वो बजट पेश करता है। पिछला जो आपका सरकार थी श्री भूपेश बघेल जी की सरकार, उसमें वित्त विभाग मुख्यमंत्री के ही पास था, लेकिन इस बार जो वित्त विभाग ये सौंपा गया है ओपी चौधरी जी को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है पूछा जाए तो ओपी चौधरी जी। उसके बाद श्री लक्ष्मी रजवाड़े, इन 12 कैबिनेट मंत्रियों में से एकमात्र महिला विधायक। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण, ठीक है, ये जो एक विभाग है महिलाओं को ही दिया जाता है इसलिए महिला मंत्री। श्री टंक राम वर्मा जिनके पास खेलकूद एवं युवा कल्याण तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ये विभाग इनके पास है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या क्या है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, एक मंत्री का नाम, उसके सामने विभाग, चार ऑप्शन दिया जाएगा, किसी एक मंत्री के नाम के आगे के विभाग को गलत कर देगा और पूछेगा असत्य युग्म पहचानिए, या सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, चार मंत्रियों के नाम उसके साइड में एक एक विभागों के नाम सुमेलित कीजिए, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में वन मंत्री कौन है, केदार कश्यप। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है, श्री लखनलाल देवांगन। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में आपके जल संसाधन मंत्री कौन है, श्री केदार कश्यप। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है, श्री लक्ष्मी रजवाड़े। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए और भी, जैसे अगर हम इधर बात करें, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में खनिज मंत्री कौन है, श्री विष्णुदेव साय जी। ऊर्जा मंत्री कौन है आपके, श्री विष्णुदेव साय जी। देखिए यहां पर एक वाणिज्यिक कर दिया गया है आबकारी, और एक दिया गया है आपका ये यहां पर देखिए वाणिज्यिक कर, ये वाणिज्यिक कर अलग है, वो है वाणिज्यिक कर आबकारी। केवल वाणिज्यिक कर पूछेगा तो श्री ओपी चौधरी जी, अगर वाणिज्यिक कर आबकारी पूछेगा, ठीक है, तब आएगा श्री विष्णुदेव साय जी, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर इन 12 मंत्रियों के मध्य जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें से सबसे बड़ा विभाग, ठीक है, सबसे बड़ा विभाग किसके पास है पूछा जाए तो वो है श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास। बजट के आधार पर विभागों को जब बजट अलॉट किया जाता है तो उसके आधार पर सबसे बड़ा विभाग, यानी कि बजट के आधार पर सबसे बड़ा विभाग किसके पास है, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं सर्वस्व धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से बना बना करके याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है, श्री दयालदास बघेल जी। एक बार में याद नहीं होता, बार बार इसको रिमाइंड कीजिएगा, हाइलाइटेड टॉपिक है, आगामी जो 2024 में जितनी परीक्षाएं होंगी ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए
इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि जनरली क्या होता है कि जो भी दल चुन करके आई है वो अपने मंत्रियों को संतुष्ट करने के लिए, देखिए मैं जनरल फैक्ट की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, फैक्ट की बात करूँगा। जनरली क्या होता है कि किसी भी राजनीतिक दल में मंत्रियों को संतुष्ट करने के लिए जितना चाहे उतना विभाग उन्हें अलॉट किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या कितनी है? 90। और अगर आप देखेंगे तो कि तो एक एक मंत्री को दो दो तीन तीन विभाग अलॉट हुआ है। ऐसा भी तो कर सकते थे, एक विभाग एक मंत्री को ऐसे करते करते 20-25 विभाग दे सकते थे, कर तो सकते थे, सभी मंत्री के पास एक एक विभाग, आराम से काम करते रहो। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में टोटल कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी है? 12। ये संविधान में उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा, 91वां संविधान संशोधन लाया गया था, 91वां संविधान संशोधन 2003, ये सारा चीज जो है करंट अफेयर के बुक में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें कहा गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल विधानसभा सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी। जो चीज बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना और इस संविधान संशोधन को अलग से याद रखना। 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान लाया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों की संख्या या मंत्रिमंडल की संख्या राज्य के कुल विधानसभा संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट कितनी है? कुल विधानसभा सीट या कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें तो कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या यह है आपकी 90, ठीक है, कुल 90 सीट है। क्या कहा मैंने, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत यह प्रावधान लाया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कुल विधानसभा सीट के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कुल विधानसभा सदस्य 90 का 15% ये होता है लगभग 13.5। यानी कि अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम 13, अधिकतम 13 मंत्री जो है इन्हें कैबिनेट के अंतर्गत या मंत्रिमंडल के अंतर्गत रखा जा सकता है, 13 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक पद क्यों छोड़ दिया गया? 12 मंत्रियों में विभागों का बंटवारा क्यों किया गया? आगे आने वाले समय में मंत्रियों के कार्य के आधार पर किसी एक मंत्री को जो है कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। मैक्सिमम संख्या 13 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 12 ही क्यों किया गया? 10 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, 6 भी कर सकते थे। इसी 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही कहा गया था, ध्यान से सुनना, किसी भी राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल विधानसभा सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु मंत्रियों की यह संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब कभी भी नई सरकार बनेगी और उनके मध्य विभागों का बंटवारा होगा तो कम से कम 12 कैबिनेट में 12 मंत्री जो है ये कैबिनेट में शामिल होंगे ही, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे विधानसभा सीट कितना है आपका, 30 है समझ लीजिए, कहीं पर विधानसभा किसी राज्य में विधानसभा 30 है। अब 30 का अगर आप 15% निकालेंगे, 15 × 3 = 45, 4.5 हो रहा है, यानी कि 5 मंत्री। अब 5 मंत्री को लेकर कैबिनेट नहीं चला जा सकता, तो ऐसे जहां पर जो है सीट की संख्या कम है तो वहां पर ये 5 ना करके 12 मंत्री जो है ये कैबिनेट में शामिल होंगे। यानी कि मिनिमम संख्या 12 होनी चाहिए, मैक्सिमम 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इसीलिए 12 मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और यह संख्या 13 से ज्यादा नहीं हो सकती। सामान्य अध्ययन का टॉपिक है, डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि सामान्य अध्ययन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना समझ में आ गया ना कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, किंतु यह संख्या 12 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
शक्तिपीठ परियोजना, शक्तिपीठ परियोजना क्या है ध्यान समझिएगा, जो हमारी नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस शक्तिपीठ परियोजना का उल्लेख किया था। शक्तिपीठ परियोजना उत्तराखंड के तर्ज पर, उत्तराखंड के चार धाम परियोजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ परियोजना 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना शुरू की जाएगी। केदार आपके उत्तराखंड में अगर चार धाम परियोजना की बात करें तो उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार धाम परियोजना है। तो उसके तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ परियोजना, जहां जहां पर जो है माता की प्रमुख मंदिर है, उन्हें आपस में कनेक्ट करके 100 किलोमीटर लंबी परियोजना बनाई जाएगी। अभी केवल घोषणा किया गया है, इसमें अभी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर शामिल है, तो देखिए सबसे टॉप में यहां पर है आपका सूरजपुर। सूरजपुर में कुदुरगढ़ माता का मंदिर, रामायण कालीन एक स्थल है, ठीक है, जिसे बागेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम यहाँ दर्शन करने पहुंचे थे। कुदुरगढ़ में माँ बागेश्वरी का मंदिर 1500 फीट की ऊंचाई पर है, ये इस शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत शामिल है। दूसरा है आपका बिलासपुर, बिलासपुर के रतनपुर में महामाया माता मंदिर, जो कि कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा रत्नदेव प्रथम के द्वारा कराया गया। उसके साइड में है आपका रायगढ़, रायगढ़ में चंद्रहासिनी माता का मंदिर, महानदी के तट पर माता का मंदिर है, राज्य के प्राचीन मंदिरों में से एक है। उसके बाद आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव में है, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में है बमलेश्वरी माता का मंदिर, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। माँ दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक माँ बमलेश्वरी का मंदिर का निर्माण 2200 साल पहले करवाया गया था। और एक है आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर, माँ दंतेश्वरी मंदिर देश में 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। इसका निर्माण 850 साल पहले राजा अन्नमदेव के द्वारा कराया गया। तो इन पांच मंदिरों को लेकर, कुदुरगढ़ माता का मंदिर, सूरजपुर, चंद्रहासिनी माता का मंदिर, रायगढ़, महामाया माता का मंदिर, बिलासपुर, रतनपुर, बमलेश्वरी माता का मंदिर, डोंगरगढ़ और दंतेश्वरी माता का मंदिर दंतेवाड़ा, इन्हें लेकर के शक्तिपीठ परियोजना बनाया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीतागढ़ी गुफा। सीतागढ़ी गुफा ये कहां पर है पूछा जाए तो ये है आपके कोरबा में। देखिए एक है आपका सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी, अच्छा यहां लिखा हुआ है, एक है सीतामढ़ी हर चौका जो कि राम वनगमन पथ में शामिल है, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है सीतामढ़ी हर चौका, जो कि रामायण कालीन स्थल है। ये सीतामढ़ी गुफा यह भी रामायण कालीन स्थल है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो शक्तिपीठ परियोजना है ना, शक्तिपीठ परियोजना जो पिछली सरकार जो राम वनगमन पथ चला रही थी, तो ये जो नई सरकार आई है ये शक्तिपीठ परियोजना चला रही है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। शक्तिपीठ परियोजना अगर हम बात करें, जैसे कि चंद्रपुर, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, जो माता सती के सिर में जो चंद्रमा था वो, यानी कि आभूषण, वो आकर गिरा तो वहाँ पे चंद्रहासिनी माता का मंदिर बना, एक शक्तिपीठ माना जाता है। दंतेश्वरी माता का मंदिर, मान्यता है कि माता सती के जो दांत का हिस्सा गिरा वहाँ पे आपका दंतेश्वरी माता का मंदिर उसी जगह पे बना हुआ है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो इन शक्तिपीठों को लेकर के शक्तिपीठ परियोजना चलाई जा रही है। अब देखिए, जो सीतामढ़ी हर चौका किस जिले में पूछा जाए तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, और सीतामढ़ी गुफा किस जिले में है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपके कोरबा जिले में। कोरबा जिले में इस स्थान पर एक अत्रि मुनि का आश्रम हुआ करता था, यह एक रामायण कालीन स्थल है। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ पहुंचे थे इस स्थान पर। अत्रि मुनि के इस आश्रम में एक माता थी अनुसुईया, अनुसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म का पाठ पढ़ाया था, ठीक है, नारी धर्म का उन्हें पाठ पढ़ाया था। इस गुफा में एक भित्ति शिलालेख है जिसमें प्राचीन लिपि में अष्टद्वार विषय वैद्य पुत्र श्री लिखा हुआ है, ठीक। यहां पर इस गुफा में राम, लक्ष्मण और अत्रि मुनि, ठीक है, राम, लक्ष्मण और अत्रि मुनि की 7वीं सदी में निर्मित एक प्रतिमा, एक मूर्ति भी विद्यमान है। सीतामढ़ी हर चौका राम वनगमन पथ में शामिल, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। सीतामढ़ी गुफा किस जिले में पूछा जाए तो यह है आपके कोरबा जिले में। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला सिक्स लेन सुरंग,
प्रदेश का पहला सिक्स लेन सुरंग या सिक्स लेन सड़क, ये हमारे देखिए ये जो सड़क है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर से विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत है, यानी कि रायपुर से होते हुए विशाखापट्टनम उसका एक हिस्सा है। हमारे छत्तीसगढ़ में केशकाल की पहाड़ी, जिसका विस्तार कांकेर और कोंडागांव जिले में है, तो इस केशकाल की पहाड़ी में 2.8 किलोमीटर का सिक्स लेन सुरंग बनाया गया है इस भारतमाला ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत। ये छत्तीसगढ़ का पहला सिक्स लेन सुरंग या सिक्स लेन सड़क है। देखिए कॉरिडोर एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर सिक्स लेन सड़क, इसकी लंबाई जो है कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 486 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में 124.6 किलोमीटर की सड़क हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। यहाँ आपके सालना गोविंदपुर से होते हुए ये जो है आपका सब्बावरम तक ये जो सड़क बनाई जा रही है, ठीक है। देखिए 20,000 करोड़ की लागत से सिक्स लेन सड़क बनाई जा रही है। इस मार्ग के बनने से लगभग 175 किलोमीटर की लंबाई की बचत होगी। छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बस्तर संभाग के केशकाल की पहाड़ियों से होकर के गुजरेगी। तो बस याद रखना कहाँ पर बन रहा है, केशकाल पहाड़ी, जिसका विस्तार है कांकेर कोंडागांव में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुलार्प परियोजना के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार। ऐसे जो रैंडम पुरस्कार है ना, इस पुरस्कारों से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले जो एग्जाम हुए, ठीक है। अभी तो सीजीपीएससी के चेयरमैन भी चेंज हो गए हैं, सरकार भी बदल गई है, तो अब क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है वो क्या होगा, ये अब देखना होगा, ठीक है। इस बार से क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखने वाली बात है। इसके बाद आगे के अगले 4 साल या 5 साल चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो पहले आपके जो पिछले चेयरमैन थे वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। प्रवीण जी जो है नए चेयरमैन, आपके कार्यकारी चेयरमैन है अभी वर्तमान में। अब इस बार से एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ेगा। मुलार्प परियोजना के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत। ये मुलार्प परियोजना का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो मूंग बीन, उड़द बीन, लेंटिल, लेथरस, राजमास एंड पी, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो सभी के सभी नाम है ना, ये दलहन फसलों के नाम है। दलहन फसलों के नाम यानी कि मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा और मटर, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 1995 से जो है इस मुलार्प परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 6 दलहनी फसलों जैसे कि मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा, मटर अनुसंधान एवं विस्तार कार्य किया जा रहा है, और इसी मुलार्प परियोजना के लिए इसे देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार भी प्रदान किया गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए गड़िया शिवालय जो कि बस्तर जिले के लोहांडी गोड़ा में है, इसका निर्माण 1097 ईस्वी में छिंदक नागवंशीय शासक राजभूषण सोमेश्वर देव के द्वारा कराया गया। ये एक कन्नड़, यहाँ पे जो है एक कन्नड़ भाषा का शिलालेख भी था, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों उपद्रवियों के द्वारा इस शिलालेख को तोड़ दिया गया। इसमें शासन की भी लापरवाही थी कि इतने प्राचीन मंदिर का उन्होंने संरक्षण नहीं किया। खुले मैदान में बीच में एक मंदिर मौजूद है, कितना पुराना है, 1097 ईस्वी में बना हुआ, यहाँ पर कन्नड़ भाषा का शिलालेख जिसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, ठीक है। गड़िया वाला क्षेत्र ये नागयुगीन बस्तर में से एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। कन्नड़ भाषा के इस शिलालेख में ये जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के निर्माण के दौरान दानदाताओं के नाम का उल्लेख है, ठीक है। जो हमारा बस्तर वाला क्षेत्र है ये दक्षिण भारत से लगा हुआ है, द्रविड़ क्षेत्र से लगा हुआ है, तो यहाँ पे द्रविड़ बोली यानी कि कन्नड़ भाषा का यहाँ पे शिलालेख है, जिसमें इस मंदिर के निर्माण में जो दानदाता थे उनकी सूची इसमें शामिल थी, जिसे तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो गड़िया शिवालय कहाँ पर है, बस्तर जिले में स्थित है, नागवंशी शासकों के द्वारा निर्मित। छत्तीसगढ़ के लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट REE ब्लॉक की नीलामी, देखिए भारत सरकार ने टोटल 20 ब्लॉक जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके ई नीलामी की एक सूची जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी एक ब्लॉक शामिल था। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिले के कटघोरा का महेशपुर घुचापुर जो है इस ई नीलामी के सूची में शामिल था। देखिए इस महेशपुर घुचापुर क्षेत्र में 256.12 हेक्टेयर लिथियम ब्लॉक होने की पुष्टि की गई है। भारत सरकार के द्वारा
20 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की सूची जारी की गई। ये जो 20 जो सूची जारी की गई, इसमें 7 राज्य जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के खनिज ब्लॉक इसमें शामिल थे। देखिए लिथियम, ये जो सूची जारी की गई इसमें लिथियम के 2 ब्लॉक शामिल किए गए, एक छत्तीसगढ़ का महेशपुर घुचापुर ब्लॉक और दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई, सबसे बड़ा भंडार भारत में लिथियम का वो है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इन 2 ब्लॉक की ई नीलामी की जा रही है। लिथियम का जो उपयोग है ये मोबाइल फोन बैटरी, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो आज के डेट में ईवी जो है, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। विशेष वैश्विक कंपनियों में कोरियाई और जापानी खनन कंपनियों ने भारत में लिथियम भंडार के लिए बोली लगाने में रुचि व्यक्त की है। तो हमारे देखिए अगर ये सूची देखना है तो करंट अफेयर के मैगजीन में भी ये पूरा सूची दिया गया है और भी कुछ फैक्ट उसमें इंक्लूड है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर के केवल लिथियम टाइप कर दीजिएगा, सर्च बॉक्स में पूरा का पूरा कंप्लीट लिस्ट आ जाएगा। देखिए हमारे लिए केवल छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को रुचि है कि 20 ब्लॉक और कौन कौन से हैं तो वो टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं और हमारे करंट अफेयर के मैगजीन में भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखिए जो लिथियम है ना ये ऐसे ग्रे कलर का रहता है। नेक्स्ट है चोड़ी घाट जो है ये बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा में स्थित है। बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा में स्थित इस चोड़ी घाट में इंद्रावती, मारकंडी और आंजर नाला का संगम है, ठीक है। इसे बस्तर के प्रयाग की संज्ञा दी जाती है, बस्तर के जो स्थानीय निवासी है इसे बस्तर का प्रयाग कहते हैं। चोटी घाट में उत्तर दिशा से मारकंडी नदी, ठीक है, उत्तर दिशा से मारकंडी नदी, पूर्व दिशा से आपकी इंद्रावती नदी और दक्षिण दिशा से आजर नाला का जो है स्पष्ट संगम देखने के लिए मिलता है। ये है आपका आजर नाला, ये है मारकंडी नदी और इधर से आ रही है इंद्रावती नदी, इसका त्रिवेणी संगम जो है ये है चोड़ी घाट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आमनेर, मुस्का, पिपरिया, इस इनके जो है इन 3 नदियों का संगम है कहाँ पर, आपके खैरागढ़ में, ठीक। राजिम में है आपके महानदी पैरी सोंढूर नदी का, शिवली नारायण में है आपका महानदी शिवनाथ और जोक नदी का, चंद्रपुर में है महानदी मांड नदी लात नदी का, ये तो काफ़ी फेमस है। लेकिन अब थोड़ा सा जो बाहरी आपको एक्स्ट्रा याद करना है ना इस फैक्ट को याद रखिएगा। अच्छा कुछ बीच में एक यूट्यूब में कमेंट आया था कि आप इधर उधर बाहर की चीज़ें पढ़ाते हैं, हमारे पास ढेर सारे ऐसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो पहले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा कि इस नई चीज़ों में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा किसी का मैंने एक कमेंट देखा। जो पहले के जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं ना वो क्वेश्चन पेपर मैंने भी देखे हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे जाने का जो तरीका चेंज होता है, 50 क्वेश्चन अगर छत्तीसगढ़ का वेटेज रहता है, 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए रहते हैं और 10 क्वेश्चन एकदम नए रहते हैं। वो 10 क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तब जाके, क्योंकि मार्केट में जो बुक पब्लिश है ना किसी पब्लिकेशन की, तब उस नए फैक्ट को वो इंक्लूड करते हैं। नो डाउट जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ नए फैक्ट्स भी आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको हर करंट अफेयर में कुछ नए जलप्रपात के नाम पढ़ाता हूँ, अरे इतने पुराने जलप्रपात है सर, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, इससे क्वेश्चन आएगा कि आपके इस नए जलप्रपात से क्वेश्चन आएगा, मत पढ़िए। अगर आप पिछले जो एग्जाम हुए हैं नवंबर दिसंबर के आसपास, नवंबर में चलिए आपका आचार संहिता लगा हुआ था, उससे पहले अक्टूबर में आपका जो एग्जाम हुए है, सहकारिता का जो एग्जाम हुआ है, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जाकर के देखिएगा करंट अफेयर में जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जलप्रपात, नवीनतम जलप्रपात की सूची, उसमें से एक न एक जलप्रपात उसमें आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं सबको नहीं बोलता, एक दो उठपटांग ऐसे मिल ही जाते हैं कमेंट करने वाले। तो चोड़ी घाट जो है जिसे बस्तर का प्रयाग कहा जाता है, जैसे कि अगर कोई भी धार्मिक कर्मकांड करने होते हैं या अस्थि विसर्जन करना होता है तो वो इस तट पर आकर के करते हैं, इसलिए इसे बस्तर के प्रयाग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 68 लाख गरीब परिवारों को अगले 5 साल मुफ्त चावल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है राशन कार्डधारी परिवारों की बात की जा रही है, आर्थिक सर्वेक्षण में अलग डाटा दिए गए हैं, ये लेटेस्ट डाटा है। लेटेस्ट डाटा का मतलब अभी आपको आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पढ़ने हैं, लेकिन सरकार ने जो घोषणा की है उसके आधार पर प्रदेश में अंत्योदय श्रेणी के जो राशन कार्ड है वो है 14
14,92,438, प्राथमिकता श्रेणी के हैं 52,46,656, एकल निराश्रित राशन कार्ड है 37,708, निःशक्त जन श्रेणी है के राशन कार्ड है 15,351, कुल लाभकारी है 67,92,153। सामान्य राशन कार्डधारी परिवारों की बात नहीं की जा रही है। इन्हें अगले 5 साल मुफ्त में चावल दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम अंत्योदय श्रेणी की बात करें तो अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल 1 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। अगर हम प्राथमिकता श्रेणी परिवारों की बात करें तो प्राथमिकता श्रेणी परिवार में अगर एक सदस्य यानी किसी के पास प्राथमिकता श्रेणी कार्ड है उसमें एक सदस्य है तो उसे 10 किलो, दो सदस्य है तो 20 किलो, 3 से 5 सदस्य है तो उसे 35 किलो और 5 से अधिक सदस्य है, आपकी इकोनॉमिक सर्वे के बुक में सारा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 5 से अधिक सदस्य है तो 7 किलो प्रति सदस्य, ठीक है, 7 किलो प्रति सदस्य के दर से चावल दिया जाता है। और इन चावल का जो रेट था ये था 1 रुपए प्रति किलो, ठीक है। बाकी निःशक्त जन श्रेणी और एकल निराश्रित इन्हें जो है 10-10 किलो, इन्हें 10 किलो चावल मिलता था, ये मिलता था निःशुल्क फ्री, ठीक है। यानी कि अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी राशन कार्डधारी परिवारों को चावल के एवज में 1 रुपए देना पड़ता था, 1 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने घोषणा कर दिया है कि अगले 5 साल सभी को, पहले तो जो है आपके एकल निराश्रित और निःशक्त जन को ही फ्री मिलता था, अब जो है सभी को मुफ्त में चावल दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए, यानी कि जब तक सरकार रहेगी। अब यहां पर एक अपडेट दिख रहा है, अंत्योदय श्रेणी राशन कार्ड कार्डधारियों को वर्तमान में 35 किलो चावल 1 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है, वहीं अंत्योदय श्रेणी परिवार में 3 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 10 किलो चावल केंद्र एवं राज्य का अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है। 35 किलो चावल तो मिल रहा है लेकिन 3 से ज्यादा सदस्य है तो उन्हें जो है, देखिए 3 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 10 किलो चावल केंद्र और राज्य दोनों का मिला करके अतिरिक्त चावल मिलेगा। इसके अलावा प्राथमिकता श्रेणी निःशक्त जन और निराश्रित कार्डधारियों को भी प्रति सदस्य 10 किलो चावल केंद्र और राज्य दोनों का मिला करके दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी घोषणा हुआ है ना, आगे और कुछ अगर कुछ आदेश कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसको भी हम अपडेट करेंगे। नेक्स्ट है धान प्रोत्साहन योजना। धान प्रोत्साहन योजना ये एक्चुअली में पिछले जो चावल का उपार्जन किया गया था उसके भुगतान के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। 2014-15 और 15-16 में के लंबित धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु ये धान प्रोत्साहन योजना के तहत 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर जो 300 रुपये प्रति क्विंटल की राशि है ये प्रदान की गई। कब के लिए? 2014-15 और 15-16 के लंबित धान की उत्पादन के प्रोत्साहन राशि। देखिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त किसान जो कि धान की खेती करते हैं या छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत आधार एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन करते हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। 2014-15 और 15-16 में प्रदेश में भारत सरकार द्वारा घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रमशः 2014-15 में 12,57,196 किसानों से 6,37,65,887 कुंटल एवं 15-16 में 13,23,771 किसानों से 6,01,13,770 कुंटल धान की उपार्जन किया गया था, किंतु कतिपय कारणों से धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया था। पहले की लंबित प्रोत्साहन राशि थी जिसे प्रदान किया गया धान प्रोत्साहन योजना के नाम से सुशासन दिवस के अवसर पर, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन जो है ये दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वुमेन प्रीमियर लीग 2 में छत्तीसगढ़ की 2 महिला खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुई थी। वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग होता है मेंस क्रिकेट का, वैसे वुमेन प्रीमियर लीग की भी शुरुआत हुई है, ठीक है।
वुमेन प्रीमियर लीग की नीलामी में कुल 165 महिला खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की दो दुर्गेश नंदिनी साहू जो कि एक गेंदबाज है, बॉलर है, और मनप्रीत कौर जो कि ऑलराउंडर है का नाम शामिल था। दोनों अनकैप्ड खिलाड़ी है। इनका बेस प्राइस 10 लाख रुपए निर्धारित है, लेकिन मेरे को जो जानकारी मिली है ये दोनों के दोनों अनसोल्ड है, ठीक है, यानी किसी भी टीम ने इन्हें नहीं खरीदा। लेकिन याद रखना है मनप्रीत कौर का संबंध किससे है, इनका संबंध है क्रिकेट से। मनप्रीत कौर जो कि ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर है, दुर्गेश नंदिनी जो कि एक गेंदबाज है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक है आपके अजय मंडल। अगर हम आईपीएल की बात करें ना, ये तो वुमेन प्रीमियर लीग हो गया, आईपीएल की बात करें तो अजय मंडल जिन्हें जो है सीएसके ने रिटेन किया हुआ है, ठीक है। दूसरा है आपके हरप्रीत सिंह भाटिया जिन्हें पंजाब किंग्स ने रिटेन किया हुआ है। अभी ये जो आईपीएल जो 2024 में होगा उसकी बात की जा रही है, ठीक है, इन्हें तो रिटेन किया हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक और है, मैंने करंट अफेयर भी शामिल किया है और इसे अलग से इंक्लूड भी किया है। ये दो के नाम तो हम जान रहे हैं, तीसरे प्लेयर है शशांक सिंह, ऑलराउंडर प्लेयर जिन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है गलती से, ठीक है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में टोटल 3 खिलाड़ी जो कि आईपीएल में टीम में शामिल है, 2 जो है आपके पंजाब किंग्स में और 1 है आपके सीएसके में शामिल, बस है, रिटेन किया गया। एक्चुअली में शशांक सिंह नाम के 2 आईपीएल प्लेयर थे, जब इनकी नीलामी शुरू हुई तो इन्हें कोई दूसरा शशांक सिंह समझ करके आपके पंजाब किंग्स ने इनकी बोली लगा दी और 20 लाख रुपए बेस प्राइस पर ही इसे खरीद लिया गया। गलती से इनकी नीलामी हुई और ये आपके पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं, ठीक है। न्यूज़ में अगर आप देखेंगे काफ़ी हाईलाइट भी हुआ, काफ़ी मुद्दा भी उठा था इसको लेकर के, बाद में पंजाब किंग्स ने खरीदने से मना कर दिया, लेकिन ऑक्शन कंप्लीट हो चुका था। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट की हम बात करें, देखिए सबसे पहले है आपका देश देखा पहाड़ी, ऐसे रैंडम जो है पहाड़ियों से भी क्वेश्चन आते हैं, देश देखा पहाड़ी जो कि जशपुर जिले में है। दूसरा है फोक नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब ये फोक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जाके विसर्जित होती है, किसकी सहायक नदी है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फोक नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये कवर्धा जिले में है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष ये है किरणमयी नायक। देखिए जनरली क्या होता है ना, जो छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री होती है उन्हें ही छत्तीसगढ़ महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे पिछली सरकार जो था, पिछली सरकार में किरणमयी नायक को, यानी कि कांग्रेस सरकार में किरणमयी नायक को छत्तीसगढ़ महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सरकार चेंज हुई, सत्ता परिवर्तन हुए, तो जितने भी आयोग और निगम में नियुक्ति की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसे भाजपा सरकार ने आने के बाद सभी को हटा दिया था, सभी निगम के प्रमुख अध्यक्षों को, आयोग के अध्यक्षों को, लेकिन इन्होंने जाके कोर्ट में स्टे लगा दिया और वर्तमान में कोर्ट की तरफ से आदेश भी आया कि छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेगी किरणमयी नायक, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर थी 8%, इसे 0.2% बढ़ा करके 8.2% कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आगामी एग्जाम के लिए कि सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है ये आर्थिक सर्वेक्षण में हम देख चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 8.2% की राशि प्रदान की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण से याद आया, आप सभी को पता ही चल गया होगा कि मार्केट में कुछ पब्लिकेशन हमारी आर्थिक सर्वेक्षण को कॉपी पेस्ट करके उसे अपना बता करके बेच रहे थे, ठीक है। काफ़ी शुरू में इशू हुआ, मैंने कुछ कंटेंट भी शेयर किया, बाद में उसे हटा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर किसी से डर गए, किसी बड़े टीचर से डर गए, अगर हटाना ही था तो उसको शामिल क्यों किए। देखिए मैं अगर सही हूँ तो मैं डरता किसी से नहीं हूँ, सामने किसी पब्लिशर्स के द्वारा या टीचर के द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद ही उसे मैं हटाता हूँ। अब आप में से बहुत लोग बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर उन्होंने इस बार गलती करी है, अगले बार करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। 2018 से आई थिंक जब मैं ई बुक बेचता था उस समय मेरा बुक नहीं आता था मार्केट में, तब से लेकर के अब तक कम से कम 5 से 6 पब्लिकेशन, 5 से 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो है टोटल अब तक कंटेंट कॉपी किया है और उन सभी के पब्लिशर्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद ही मैंने उसे टेलीग्राम चैनल से हटाया है। और ये गलती दोबारा नहीं करेंगे इसकी क्या गारंटी है, इसकी गारंटी ये है उनके कन्वर्सेशन का कॉल रिकॉर्डिंग। कल के डेट में अगर कोई पब्लिकेशन या कोई टीचर या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर से ये गलती दोहराएगा तो उन्होंने जो फ़ोन करके इतना गिड़गिड़ाया है, इतना माफ़ी मांगा है ना, उसको भी वायरल कर दूंगा। सामने से एक्सेप्ट करते हैं कि हमने चुराया, अगले बार से गलती नहीं होगी।
तो ये सोचेंगे कि हम दोबारा करेंगे, पहले निकाल देंगे, ऐसे करेंगे, ट्विस्ट करे करेंगे। इस बार तो पूरा कॉपी हुआ था, अब वो 5% भी करके दिखाएं, उनकी कन्वर्सेशन की कॉल रिकॉर्डिंग सारे सोशल मीडिया पर डाल देंगे। रहते हैं कुछ बदमाश लोग, उतार चढ़ाव आते हैं। चलिए देखिए, गोविंद झूझा जलप्रपात जो कि किस जिले में पूछा जाए तो कोरबा जिले में स्थित है, सलीहारी जिसे काटन खर्रा भी के नाम से भी जाना जाता है, तो सलीहारी और काटन खर्रा जलप्रपात ये किस जिले में है, ये छाता नदी के ऊपर ये जलप्रपात स्थित है रायगढ़ जिले में। नेक्स्ट, बीसीसीआई का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिलासपुर में प्रस्तावित है। बीसीसीआई का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और ये होगा छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा क्यों, पहला है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, ये दूसरा होगा, अभी प्रस्तावित है। 20 एकड़ की भूमि खोजी जा रही है। गुरु घासीदास की जीवन पर बनी फिल्म सतनाम सदगुरु जिसमें गुरु घासीदास के जन्म से लेकर बाल्यकाल, विवाह प्रसंग, तपस्या, 7 संदेश एवं 42 अमृतवाणियों के गुरु संदेशों के प्रसंग को दिखाया गया है। किस नाम से है, सतनाम सदगुरु के नाम से। 20 दिसंबर 2023 को राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में, यानी कि जो भी खरीदी हो रही है धान की, किसानों से धान की खरीदी सीमा अधिकतम 21 कुंटल प्रति एकड़ होगी। ये खरीदी हो रही थी 15 कुंटल प्रति एकड़ पर, जिसे बढ़ा करके 21 कुंटल प्रति एकड़ कर दिया गया, ठीक है, इसी विपणन वर्ष से 2023-24 से ही। लिंकिंग सहित निर्धारित की गई तथा इसका लाभ पात्रता किसानों को, ये जो आपका ये जो लाभ है, ये लाभ किसानों को 1 नवंबर 2023 से ही होगा, यानी कि जो पहले धान बेच भी चुके हैं उनसे भी 21 कुंटल प्रति एकड़ के दर से खरीदा जाएगा, यानी कि और अतिरिक्त धान ला करके वो बेच सकते हैं। साथ ही राज्य में अब इसके साथ 130 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य अनुमानित है। पहले 125 लाख मेट्रिक टन टारगेट था, अब 130 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है। इस आंकड़े को आप जो है करंट अफेयर में इसे अपडेट करके पढ़िएगा, करंट अफेयर में मैंने टेबल ही बनाया है, इसे भी मेंशन किया हुआ है, इसे अपडेट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 21 दिसंबर 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992,70,98,800 रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लिए जाने में सहमति दी है, ठीक है, यहां बात हो रही है किसकी, उसना चावल की। श्रीमती किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी, ये भी करंट का टॉपिक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा की जयंती के अवसर पर आचार्य श्री रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा पुनः संपादित एवं संयोजित श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल में रहते हुए 18 पन्नों की श्री कृष्ण जन्म स्थली जेल पत्रिका निकाली थी, उसका पुनः संपादन किया गया है श्री रमेंद्रनाथ मिश्र जी के द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र के नाम से, इसका विमोचन किया गया। पंजाब किंग्स में छत्तीसगढ़ खिलाड़ी शशांक सिंह जो कि ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर है, उनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपये में उसे पंजाब किंग्स ने खरीदा। छत्तीसगढ़ की जो 6वीं विधानसभा है, जो वर्तमान में जो विधानसभा है, इसके पहले सत्र की बैठक 19 दिसंबर 2023 को हुई। इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई, 19 दिसंबर 2023 को, ठीक। तो यहाँ आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर दिसंबर 2023 होता है समाप्त। दिसंबर महीने के सारे करंट अफेयर आपके करंट अफेयर के बुक में शामिल है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। करंट अफेयर की बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने नज़दीकी बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। इस करंट अफेयर की बुक में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के कंटेंट के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भी शामिल है, ठीक है। चलिए,